गया ओला का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 25 पैसे में चलेगा 1 किलोमीटर। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की खास बात इसका कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओला S1 से सस्ता होना है। यह सिर्फ 25 पैसे के खर्च में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दिवाली के मौके पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर लॉन्च कर दिया है। कंपनी के प्रमुख भाविस अग्रवाल ने इस स्कूटर की डिटेल शेयर करते हुए बताया कि ये महज 25 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च पर चल सकता है। ओला S1 एयर को कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओला S1 के बेस पर ही तैयार किया गया है। हालांकि इसकी कीमत उससे काफी कम है। कंपनी ने ओला S1 एयर को 84,999 रुपए में लॉन्च किया है। वहीं दिवाली के मौके पर इस पर 24 अक्टूबर तक के लिए एक ऑफर पर भी कंपनी लेकर आई है। फिलहाल इसके लिए आपको महज 79,999 रुपए देने होंगे। वहीं इसे 999 रुपए में रिजर्व कराया जा सकता है। कंपनी का दावा है ओला S1 एयर सिंगल चार्ज में इको मोड पर 101 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं ये 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड महज 4.3 सेकंड में पकड़ लेता है। इस स्कूटर का वजन महज 99 किलोग्राम है। कंपनी ने इसमें 4.5 की वाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी है। इसमें 2.5 की वाट का बैटरी पैक दिया गया है। इस स्कूटर में 3 राइड मोड दिए गए हैं। ओला S1 एयर में कंपनी ने 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज दिया है। साथ ही आप अपने स्कूटर की स्क्रीन साउंड को अपने मूड के हिसाब से बदल सकते हैं। वहीं इसमें 10 वाट का एक स्पीकर भी लगा है, जो आपको कहीं भी पार्टी करने की आजादी देता है। इसके अलावा फ्लैट फुटबोर्ड, कपेट सीट, ट्विन रियर सस्पेंशन और फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन भी इसमें दिए गए हैं। 4.5 घंटे का चार्जिंग टाइम 5 रंग में मिलेगा। ओला S1 एयर को फुल चार्ज करने में 4.5 घंटे लगेंगे। इस स्कूटर में 3 राइड मोड दिए गए हैं। ये इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स हैं। कंपनी ने इस स्कूटर के 5 रंग पेश किए हैं। ये न्यू मिंट, जेट ब्लैक, कोरल ग्लेम, पोर्सिलिन व्हाइट और लिक्विड सिल्वर है। ओला S1 एयर की परचेज विंडो फरवरी 2023 में खुलेगी। वहीं अप्रैल 2023 में इसकी डिलीवरी शुरू होगी। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।